राज्य सरकार के बंद का शहर में उल्लंघन, मानेवाड़ा स्थित डोमिनोज पिज्जा स्टोर शुरू। INBCN के सतर्कता से जगा प्रशासन, देखिए INBCN की खास रिपोर्ट। कोरोना वायरस जैसी महामारी का प्रभाव रोकने के लिए राज्य सरकार और नागपुर के जिला अधिकारी ने बुधवार से सभी होटलों और रेस्टोरेंट को बंद रखने के आदेश दिए थे, मगर गुरुवार को ही शहर के मानेवाड़ा चौक स्थित डोमिनोज पिज्जा स्टोर ने इस आदेश का उल्लंघन किया है। बंद रखने के आदेश के बावजूद भी स्टोर खुला था। जानकारी मिलते ही जब INBCN की टीम वहां पहुंची तो स्टोर में बड़ी संख्या में लोग पिज्जा का स्वाद लेते नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इन्हें जैसे पूरे देश में आए इतने बड़े संकट से कुछ भी लेना देना नहीं है। ना ही किसी ने मास्क पहना था और ना ही किसी ने अपना मुंह रुमाल से ढका हुआ था। स्टोर में काम करने वाले भी बड़ी बेफिक्री से बिना मास्क पहने सर्विस दे रहे थे। जब हमारी टीम ने अंदर जाकर स्टोर मैनेजर से इसका जवाब चाहा तो उसने बड़ा बेतुका सा जवाब दिया। उसने कहा कि हमें बंद रखने का कोई नोटिस ही नहीं मिला है। शायद ये महाशय न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल नहीं देखते होंगे। उसके बाद अचानक ही उसने स्टोर बंद कर दिया, मगर अंदर अब भी लोग मौजूद थे। कोरोनाचं वाढतं संक्रमण पाहता कलेक्टरनी शहरातील छोटे मोठे दुकान व रेस्टॉरंट बंद करण्याचे आदेश दिले होते, पण आज दुसऱ्या दिवशी म्हणजे गुरुवारी मानेवाडा चौकातील दुकान आहे ते धडल्ले असून उघडं होतं। इथे काही ग्राहक पण होते, मोठ्या संख्येत इथे लोक उपस्थित होते। जेव्हा INBCN टीम इथे आली तेव्हा इथल्या कर्मचाऱ्यांनी आम्हाला सांगितलं की आम्हाला कुठलाही नोटीस आलेला नव्हता। त्यानंतर त्यांनी आपल्या अधिकाऱ्यांशी किंवा मालकासोबत बोलणं केलं। त्यानंतर INBCNचा इन्फॅक्ट पहा की लगेच हे दुकान बंद करण्यात रेस्टॉरंट बंद करण्यात आलेलं आहे। मला हे आम्हाला एक गोष्ट समजत नाही की जेव्हा नोटीस आला नाही पण वर्तमानपत्रात आणि न्यूज चॅनलमध्ये सांगण्यात आलं होतं की 31 तारखेपर्यंत रेस्टॉरंट आणि दुकान बंद असणार, पण हॉटेल व्यवसाय किंवा मालक यांची काही स्वतःची जबाबदारी राहत नाही का? कोरोनाचा एवढा प्रकोप नागपूर शहरात होत आहे, रोजच्या रोज पेशंट वाढतात आहे, असंच समजा सामान्य जनतेशी काही सहयोग सरकार किंवा मनपाला राहणार नाही तर परिस्थिती ही बिकट होऊ शकेल। कॅमेरामन राजकुमार मोहोडचा, अभिषेक पांचे, INBCN न्यूज, नागपूर। जिलाधिकारी ने सार्वजनिक स्तर पर यह जानकारी दी है कि यह निर्णय जनता के स्वास्थ्य के लिए लिया गया है, इसलिए इसका शहर की जनता को पालन करना चाहिए। स्टोर तो एक व्यावसायिक है, मगर स्टोर में खाने का स्वाद उठाने वाले बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। INBCN की सतर्कता से आज स्टोर की लापरवाही सामने आई और प्रशासन सचेत हुआ है। हमारी टीम ने अजनी थाना में इसकी जानकारी दी। जानकारी मिलते ही पुलिस की एक टीम घटनास्थल पर पहुंची और उन्होंने इस पर कड़ी कार्रवाई की। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहोड़ के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट।